हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी दिवाली बहुत शुभ रहे, बहुत अच्छी रहे और अगला साल बहुत अच्छा रहे। आज जो है हमारा सेकंड स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने एक दिवाली पिक्स फॉर नेक्स्ट 10 दिवाली का थॉट प्रोसेस दिया है। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो लगता है कि हाँ यार, ये नेक्स्ट 8-10 साल एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ हमारे लिए क्रिएट कर सकती हैं, उन स्टॉक्स पे हम फोकस करना चाह रहे हैं। तो पहला ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका है, नाउ दिस इज द सेकंड स्टॉक एंड सेकंड स्टॉक इज मैक्स हेल्थ, राइट। तो इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, इसका समझेंगे कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये अच्छा कंपनी है जो एक अच्छी खासी वेल्थ जो है नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्रिएट कर सकती है। शुरू करने से पहले आप सबको शायद पता ही होगा, हैप्पी दिवाली कूपन कोड इज लाइव ऑन investedinna.in, विच इज द हाईएस्ट एवर डिस्काउंट विच वी हैव एवर गिवन ऑन अवर मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर। तो आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं या इन प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ investedinna.in वेबसाइट पर आज ही चेक कीजिए। मॉडल पोर्टफोलियोज की हमारी परफॉर्मेंसेज भी जो है हमारी अपडेटेड हैं ऑलमोस्ट 1 वीक बैक तक, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि पोर्टफोलियोज का क्या थॉट है, क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल सकती हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैक्स हेल्थ के ऊपर। तो मैक्स हेल्थ जो है एक, बताइए हमें, मेजरली एक हॉस्पिटल कंपनी है, राइट। दे उनका मैक्स के नाम से हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स हॉस्पिटल्स नाम से, राइट। और अगर आप स्पेशली अगर आप NCR में रहते हैं तो आई एम श्योर आपने इनको देखा भी होगा बाहर से, आई होप अंदर नहीं गए, लेकिन देखा भी होगा और सुना भी होगा इनके बारे में, क्योंकि काफ़ी एक पॉपुलर हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे इनके मतलब अपना जो भी है मतलब हेल्थ चेक कराने और सब चीज़ें वहाँ जाते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ डिवीज़न मैक्स लैब्स, जो कि एक पैथ लैब्स वो है, जो कि बेसिकली मैक्स हॉस्पिटल के अंदर ही जो पैथोलॉजी लैब्स हैं वो उन्होंने एक सेपरेट एंटिटी में किया है। दे ऑल्सो हैव अ होम वेलनेस सर्विसेज। तो होम वेलनेस सर्विसेज मतलब कि हॉस्पिटल एट होम, तो कोई भी चीज़ ऐसी है कि पेशेंट कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेज, तो उसमें ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द पेशेंट्स विच दे कैन गिव एट होम, राइट। नर्सेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक पेशेंट जो है वो घर पर भी बैठ के अपनी हेल्थ को एक ठीक ठाक रख सकता है। तो ये इस तरह के तीन डिवीज़न हैं। ऑफकोर्स मेजरली जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, जो कंपनी है, वो मेजरली हॉस्पिटल ड्रिवन ही है। जो पैथ लैब्स है और ये होम सर्विसेज, इट्स रिलेटिवली न्यू बिजनेसेस एंड इट हार्डली कॉन्ट्रीब्यूट्स मच करंटली। अब ओवरऑल कंपनी में अच्छा चीज़ें भी सब समझते हैं। तो बेसिकली एक तो बहुत अच्छी चीज़ जो लगती है वो ये है कि इट द हॉस्पिटल जो ये कंपनी है, इन्होंने काफ़ी क्लियर एक थॉट दिया है कि हम जो है एक एफ्लुएंट स्पेस में रहेंगे, मतलब जहाँ पे लोग एक थोड़ी प्रीमियम सर्विसेज को इस हॉस्पिटल्स की पे कर सकते हैं, जो इनकी थोड़ी प्रीमियमनेस है इस हॉस्पिटल में, प्रीमियम सर्विसेज देते हैं ये, तो उनको जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैव सेलेक्टेड फ्यू लोकेशंस और ये वहीं पर फोकस कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब इनको ऐसा नहीं है कि नहीं भाई हम हर जगह जाएंगे, पैन इंडिया में प्रेजेंस करेंगे, हम हर छोटे सिटी Tier 2 Tier 3, मतलब ऐसा थॉट नहीं है। इनका थॉट ये है कि हम एफ्लुएंट प्लेसेस में जाएंगे, उसी में वहाँ पर ही ब्राउन फील्ड में अगर अभी 100 बेड का हॉस्पिटल है तो उसको ये 150 कर देंगे, उसको ये 200 कर देंगे। तो इस थॉट प्रोसेस का ज़्यादा थॉट मतलब उस पर ज़्यादा फोकस ये करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो करेंटली 3,500 टोटल बेड्स हैं इनके सारे हॉस्पिटल्स मिला के, राइट। और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो न्यू दिल्ली से ही, NCR रीजन अगर मैं कहूँ तो वहीं से इनके मेजरली सारे हॉस्पिटल्स इनके हैं। कुछ जो NCR के बाहर हैं, एक इनका मुंबई में नानावती हॉस्पिटल इन्हें एक्वायर किया था, फिर दे हैव ए हॉस्पिटल इन मोहाली, अगेन एफ्लुएंट, मतलब अगर हम अफोर्डेबिलिटी पर्सपेक्टिव से भटिंडा एंड देहरादून में यहाँ के हॉस्पिटल, एंड ऑल आर लोकेटेड, अगर ये सिटीज़ के बारे में आपको पता ही है शायद पर कैपिटल इनकम के हिसाब से, दे आर ऑल मतलब एक अच्छे सिटीज़ हैं इंडिया के। तो उस थॉट प्रोसेस से इन्होंने उसी तरह का इसका थॉट जो अभी तक रखा है, तो वो काफ़ी अच्छा है, मतलब फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, ठीक है, शायद मतलब अगर अलग थॉट प्रोसेस से देखें तो शायद इतना अच्छा नहीं, बट फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव दे आर वेरी क्लियर ऑन दैट कि हमें ये अफोर्डेबिलिटी पर्सपेक्टिव से यहाँ यहाँ हॉस्पिटल्स हम कर सकते हैं। तो कभी अभी 17 हॉस्पिटल हैं इनके, और लाइक आई सेड 82% जो है वो मेट्रोज में हैं, जो कि बेसिकली दिल्ली और मुंबई, राइट। एंड ऑक्यूपेंसी वगैरह की हम सारी बात करेंगे आगे, सारी चीज़ें के ऊपर बात करेंगे।
क्यों हॉस्पिटल बिजनेस ओवरऑल एक अच्छा बिजनेस है? तो एक तो ऑफकोर्स हम इंडिया जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगर हम ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर देखें एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो वी आर इट वेरी वेरी लेस, राइट? मतलब ग्लोबल एवरेज से हम काफ़ी नीचे हैं। कंपनी कंट्री लाइक मैक्सिको, अर्जेंटीना, जो कि मतलब वी आर जीडीपी वाइज हम उनसे बेटर हैं, बट स्टिल हेल्थ एक्सपेंडिचर हम करते हैं वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़। तो वो एजम्पशन ये है कि ऑफकोर्स जैसे जैसे हमारी मतलब हमारे कंट्री ग्रो करेगा तो हेल्थ एक्सपेंडिचर पे भी लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, राइट? एंड दैट्स वाई तो देर इज़ अ ग्रोथ, मतलब देर इज़ अ मार्केट ग्रोथ बिकॉज ऑफ दैट। एंड ऑफकोर्स बेड डेंसिटी इज ऑल्सो वेरी लो। करंटली इंडिया में सिर्फ 15 बेड हैं 10,000 ओवरऑल लोगों में, राइट? और अगर हम ये चीज़ नंबर्स देखें एक यूएस में या फिर चाइना में, तो यूएस में 29 है नंबर, तो 15 की जगह 29 डबल है बेड डेंसिटी। एंड चाइना हैज़ 43, तो ट्रिपल है ऑलमोस्ट बेड डेंसिटी इन चाइना, राइट? तो ऑफकोर्स वी हैव टू लॉन्ग वे टू गो, राइट? तो फिर हमारी जो ग्रोथ है मार्केट की वो क्लियर हमें है कि भाई वी नीड मोर हॉस्पिटल्स, वी नीड मोर नर्सिंग होम्स, वी नीड मोर हॉस्पिटल बेड्स फॉर श्योर, ठीक है? ये क्लियर है और इसीलिए ये कंपनीज में जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा वहाँ पर आता है। अब यही कंपनी और भी हॉस्पिटल कंपनीज हैं, बिल्कुल फोर्टिस है काफ़ी अच्छी, अपोलो हॉस्पिटल्स है, मैक्स हेल्थ है, और भी है, नारायण हृदयालय है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं। तो कुछ कुछ कंपनीज की सबसे अच्छी बात जो है कि वाई मैक्स अमंग ऑल हॉस्पिटल्स, तो ये क्वेश्चन भी आएगा। तो उसमें कुछ नंबर्स हैं, जैसे एक नंबर माना जाता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, तो इनका काफ़ी अच्छा है, इनका है 75,000। अगर हम अपोलो की बात करें तो वो 58,000 है, फोर्टिस की बात करें तो वो भी प्रीमियम बेड है तो 60,000 पे है। तो दे आर अबव इट, मतलब दे कैन दे हैव मोर रेवेन्यू पर बेड देन ऑल द अदर ऑप्शंस। तो ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ एज आई सेड प्रेजेंस इन द प्रीमियम मार्केट्स, राइट? ऑक्यूपेंसी भी जो है अगर देखें तो इनकी 70% प्लस 74% की ऑक्यूपेंसी है अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें, और वहीं अपोलो की देखें तो 62 है, फोर्टिस की देखें तो 64 है। तो ऑक्यूपेंसी वाइज भी, राइट, अगेन एज आई सेड बिकॉज ऑफ वेरी गुड ब्रांड इन द प्लेस विच दे आर इन, तो उनका यही है कि एक जगह रहो, ब्रांड बनाओ, राइट? और बहुत सारे हॉस्पिटल्स उस लोकेलिटीज़ में, वहाँ पर एक अच्छा अगर है लोग एफर्ड कर सकते हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल खोलो उस जगह पे, तो वैसा थॉट से काम करते हैं, राइट? एबिट्टा भी अगर हम देखें पर बेड तो अराउंड 70 लाख रुपीज़ का एबिट्टा है पर बेड का इनका, और वहीं अपोलो की बात करें विच इज़ ऑल्सो वेरी प्रीमियम हॉस्पिटल, इट हैज़ अ 44, राइट? और फोर्टीज़ की बात करें तो हाफ है, 32 लाख। तो यू कैन अगेन इमेजिन द काइंड ऑफ एफिशिएंसी इन द सिस्टम दिस हॉस्पिटल हैज़, राइट? तो वेरी एफिशिएंट हॉस्पिटल, वेरी क्लियर ऑन द थॉट प्रोसेस कि भाई हमें पैसा बनाने के लिए, इन्वेस्टर के लिए पैसा बनाने के लिए कंपनी है, तो उस थॉट प्रोसेस से ही इन्होंने काम किया हुआ है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है, राइट? एंड आई एम श्योर ये आपने अगर हमारी वेबसाइट पर भी देखें उनके नंबर्स, तो 3 ईयर के प्रॉफिट नंबर 100%+ से ग्रो हुआ है, राइट? सेल्स ग्रो 34% का 3 ईयर कैगर है, 5 ईयर कैगर 21% है, 10 ईयर कैगर 17% का 10 ईयर कैगर है सेल्स ग्रोथ का। तो कंसिस्टेंटली अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी इट हैज़ ऑलवेज बीन, और दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल एटलीस्ट इन लास्ट 3-4 ईयर्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल कंपनी दे रही है। लाइक आई सेड कि बहुत एक अच्छी बात यही थी कि कंपनी जो है आगे भी जो मतलब केपेक्स का प्लान भी दे रही है, ये बोल रहे हैं कि 5 ईयर्स में हमारे बेड नंबर डबल हो जाएंगे, और जो डबल बेड का जो डबल होंगे वो भी दे आर वेरी क्लियर कि कहाँ से होंगे। तो मतलब वो भी ऐसा नहीं बोल रहे कि हम छोटे सिटीज़ में खोलेंगे या फिर ऐसी जगह पे खोलेंगे Tier 2, Tier 3, इस तरह से नहीं बात कर रहे हैं। वेरी क्लियर कि हमारा मेजरली जो बेड बढ़ेंगे वो ब्राउन फील्ड बढ़ेंगे, मतलब जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उसी में हम बढ़ाएंगे। तो साकेत हॉस्पिटल, मोहाली हॉस्पिटल, नानावती मुंबई का हॉस्पिटल, राइट, पटपड़गंज हॉस्पिटल, इसी में हमारे नंबर ऑफ बेड्स बढ़ेंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स और खोल रहे हैं, वो है द्वारका दिल्ली एंड गुड़गांव में, तो वो दो नए हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, वो भी उसी रीजन में खोल रहे हैं। तो वेरी क्लियर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स वी विल, जहाँ हम जिस लोकेशन पे हैं हम वहीं रहने वाले हैं। तो और कुछ अरे ऐसे अभी भी ये मतलब ये भी नहीं कह रहे कि हम मुंबई में और हॉस्पिटल खोलेंगे, ये भी नहीं कह रहे कि हम बैंगलोर में और हॉस्पिटल खोलेंगे या अहमदाबाद में और हॉस्पिटल खोलेंगे। तो वहाँ पर भी मतलब ओवरऑल अप मार्केट, राइट, बट वहाँ पर भी नहीं कह रहे, दे आर सेइंग कि नहीं, हम जो करंट है, जहाँ हमारा अच्छा ब्रांड बना हुआ है, जहाँ हमारा अच्छा नेटवर्क बना हुआ है, हमारे पास अच्छा चल रहा है, वहीं पर हम उसको पहले पूरा मार्केट को टैप करेंगे देन ओनली। तो और इसी में डबल ग्रोथ, मतलब 5 ईयर्स में डबल अगर हम करते हैं, तो एक उस तरह से आप सोच लीजिए कि भाई मतलब ऑलमोस्ट 14% का तो टॉप लाइन ग्रोथ अगर हम मान के चलें, अगर ये होता है तो 14% का टॉप लाइन ग्रोथ है,
और उसके बाद अगर एफिशिएंसी और इम्प्रूव कर सकते हैं तो वी कैन हैव अ 15%+ ग्रोथ फ्रॉम द अर्निंग परस्पेक्टिव एंड दे हैव डन दैट मोर दे हैव डन इवन बेटर राइट. तो ऑफकोर्स अब इस तरह का ग्रोथ रहेगा कंपनी का राइट तो आरओसी के नंबर्स के हिसाब से आरओई के हिसाब से तो डेट भी ज़्यादा नहीं है कंपनी से हार्डली एनी डेट दे हैव राइट. तो वैल्यूएशन तो ज़्यादा रहेंगे ही. अब करंटली अराउंड 57-58 PE करंटली कंपनी चल रही है राइट. और ओवरऑल हॉस्पिटल ग्रोथ हॉस्पिटल मार्केट इज डूइंग वेरी वेल राइट. प्रीमियम हॉस्पिटल जो हैं और इसलिए इस कंपनी का अराउंड 58 का PE है. अगर हम 5-year मीडियन देखें तो 60+ का 5-year मीडियन है. कंपनी ने 3 साल में स्टॉक रिटर्न ऑलमोस्ट 70% का कैगर रिटर्न दिया है. लास्ट 1 ईयर में 29% का कैगर रिटर्न दिया है राइट. तो हमें अभी भी लगता है कि देर इज़ लॉट ऑफ स्टिल वेरी गुड ग्रोथ विच इज़ लेफ्ट इन द कंपनी. और ये बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट है. दे आर इन वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग मार्केट. और एक एंट्री बैरियर तो है ही. आप जिस मार्केट में हो आपका ब्रांड अच्छा है राइट. इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग वेल तो मतलब यू कैन अर्न वेल गुड मनी. तो अब ओवरऑल पॉजिटिव्स क्या क्या हैं कंपनी के. तो मेन पॉजिटिव्स हैं जैसे एक तो मार्केट ग्रोथ बहुत फास्ट है. सेकंड एफ्लुएंट एरियाज में है तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. थर्ड जो है उनका गवर्नेंस. तो सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब मुझे अच्छी लगती है वो बात कि जो MD हैं कंपनी के चेयरमैन और MD जो कंपनी चलाते हैं मिस्टर अभय सोई ही इज़ नॉट अ डॉक्टर राइट. तो ही इज़ अ MBA ग्रेड. तो मतलब वो एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं और मतलब एक ऐसा इन्वेस्टर एक बिजनेस मैनेजमेंट का पर्सन इज रनिंग द हॉस्पिटल सो नॉट अ डॉक्टर राइट. तो वो मुझे लगता है कि फ्रॉम इन्वेस्टर परस्पेक्टिव एज आई सेड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि दे ही इज़ लुकिंग फ्रॉम मेकिंग द सिस्टम मोर एफिशिएंट मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ द सिस्टम राइट एंड एक्सपेंडिंग द सिस्टम इन अ राइट वे. तो वो उस तरह से मुझे ये काफ़ी पॉजिटिव जो है वो लगता है फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव गवर्नेंस परस्पेक्टिव. और ये उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ बहुत बड़े पुराने ये ही इज़ नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी वो उन्होंने जो है एक्वायर किया था फ्रॉम द PE फंड वगैरह से और उन्होंने ये कंपनी एक्वायर मतलब ये इसके प्रमोटर बन गए ठीक है. तो ये गवर्नेंस परस्पेक्टिव से बहुत अच्छी चीज़ है. फोर्थ जो है मेडिकल टूरिज्म. अच्छा अब दिल्ली वगैरह इज़ ए वेरी हैवी मेडिकल टूरिज्म परस्पेक्टिव क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल है बहुत सारे लोग बाहर से इंडिया में. और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी एंड वी बिकम मोर स्ट्रॉन्गर तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा और लोग आएंगे. मेडिकल टूरिज्म विल इंक्रीज इवन मोर. दिल्ली ऑब्वियसली एज अ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एज ए वेरी गुड सिटी वैसे ही माना जाता है. तो उस चीज़ का हमेशा एक बेनिफिट पैक्स को रहेगा अगर वो उस रीजन में ज़्यादा रहेंगे तो वो भी अच्छा है. एंड देन दे हैव देयर नई जो इन्होंने डिविजन्स खोली हैं ये पैथ लैब है या होम सर्विसेज है. मुझे लगता है कि दैट ऑल्सो कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ डिसेंट थिंग इन द फ्यूचर राइट. अगर आगे देखेंगे नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में वो भी एक अच्छे ग्रोथ एरिया से बहुत अच्छे ग्रोथ एरिया से. तो ये तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हो गए कंपनी के. अब कुछ रिस्क क्या है. रिस्क ऑफकोर्स यही है कि हॉस्पिटल ओवरऑल इज़ अ रिस्क. मतलब इट्स अ बिजनेस ऑफ केपेक्स बिजनेस है. मतलब आपको काफ़ी ज़बरदस्त केपेक्स करना पड़ता है टू अर्न मनी फॉर लॉन्ग टर्म राइट. और एक हॉस्पिटल मैं एक बात कर रहा था एक डॉक्टर से तो वो ये कह रहे थे कि एक हॉस्पिटल को पूरा मतलब एक्चुअली प्रॉफिटेबल होने के लिए अगर हम ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल की बात करें तो 9-10 ईयर्स लगते हैं. उन्होंने कहा कि 4-5 साल में तो हॉस्पिटल बनता है मतलब जो हम जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं. फिर 2-3-4 साल उसको मतलब लोगों में नाम करने के लिए लगता है तो उसके बाद वो पैसा कमाने लग जाता है. तो 8-10 ईयर्स का टाइम लगता है राइट. तो उस चीज़ को कैसे कम करना है वो मैक्स कर रहा है. वो क्या कर रहा है उसी रीजन्स में कर रहा है जहाँ पर उनका नाम अच्छा है जहाँ पर दे हैव मेड देयर नेम. तो उन्हीं रीजन्स में दे आर ओपनिंग मोर हॉस्पिटल्स और उसी में या ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करके उसी हॉस्पिटल में मोर बेड्स बना रहे हैं. तो अभी तक तो नेक्स्ट 5 ईयर्स तो बहुत अच्छा लग रहा है. बट आगे यस अगर मोर ग्रीनफील्ड एक्सपेंशंस होते हैं दूसरे सिटीज़ में जाते हैं तो फिर यस इट विल बी अ रिस्क राइट. केपेक्स परस्पेक्टिव से तो वो आपको रियलाइजेशन उसका या प्रॉफिट आने में टाइम लगेगा. तो वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क रहता है इस तरह की कंपनीज में. फिर ऑफकोर्स हॉस्पिटल सेक्टर में रिस्क एसोसिएशन हमेशा यही है कि आपका ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंडेंट है कि आपका कोई भी ऐसी गलत चीज़ हो सकती है गड़बड़ हो सकती है जो आपके हाथ में ना हो विच कैन क्रिएट एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस भी आ सकते हैं राइट. तो ओवरऑल इट इज़ वेरी मतलब हेल्थ परस्पेक्टिव से है ह्यूमन हेल्थ परस्पेक्टिव से है. तो वो चीज़ हमेशा रिस्क एसोसिएटेड विद रेगुलेशन एज वेल एज फ्रॉम द रिस्क परस्पेक्टिव फ्रॉम द एक्सीडेंट आई वुड से राइट. तो वो रिस्क हमेशा इन बिजनेसेस में आपको समझने पड़ेंगे और वो ध्यान हमेशा रखिए. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिस्क हैं. बाकी लाइक अदरवाइज एज आई सेड कि आई थिंक इट इज़ वन ऑफ मतलब अगर हॉस्पिटल बिजनेस एक हेल्थ केयर बिजनेस की बात करें इट्स वन ऑफ अ वेरी वेरी गुड कंपनी लगती है फ्रॉम नेक्स्ट
लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से. ऑफकोर्स वैल्यूएशन इज अ कंसर्न राइट, तो वो बट वो दे हैव जस्टिफाइड दैट विद द ग्रोथ दे हैव गिवन. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. इट इज डेफिनेटली, अगर आप मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर तो यू नो इट इज पार्ट ऑफ अवर आई थिंक टू पोर्टफोलियोज. ठीक है, और अगर आपको और क्वेश्चन है इसके ऊपर तो नीचे इन्वेस्टेड मतलब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. वी हैव डन डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस बिजनेस एज वेल, तो वो भी आप हमारे स्टॉकोमीटर पे चेक कर सकते हैं, मॉडल पोर्टफोलियो पे चेक कर सकते हैं. दैट इज ऑल. फिर से आप सबको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं राइट. आप सबका दिन बहुत शुभ रहे यही कामना करते हुए मेरे को इजाजत दीजिए. हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों. जय हिंद.